हेलो नीट एंट्री स्टूडेंट्स, तो आज जो है आपके लिए, जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि स्वामी जी के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते ही क्या है, डबल पावर्स आ जाती हैं। उसका कहने का रीजन क्या है कि स्वामी जी के सामने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी एडवोकेट इस टाइम ऐसा नहीं है कि जो वहां पर टिक सके 5 मिनट भी। तो इसलिए जो है हमारे जो है विनिंग होने के ज्यादा चांस हो रहे हैं। स्वामी जी ने देखिए सबसे पहले इनडायरेक्टली, आप उनके ट्वीटों की लाइन देखिए, उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप इतने सारे सीएम हैं, आप इकट्ठे क्यों नहीं होते हो। और आपको पता है 3-4 दिन से जो आपका जो बंगाल की सीएम है और तमिलनाडु के सीएम है, उन दोनों ने साफ साफ कह दिया कि हमारे यहां पर एग्जाम नहीं होगा। साफ साफ इनडायरेक्टली बोल दिया है। और अब टोटल 11 सीएम इकट्ठे हो चुके हैं और जो है ये सारे जो सीएम से ये कह रहे हैं हम पीएम मोदी जी के पास पहले रिक्वेस्ट करेंगे और फिर क्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाल देंगे। ये बहुत जल्दी जल्दी चीजें होने वाली हैं। अब जो है आपका स्वामी जी ने एक लेटेस्ट ट्वीट आप देखिए, इन्होंने क्या कहा है, आप 11 सीएम हो तो आप नीट और जी एग्जाम जो है इसको जो है आप खुद ही कैंसिल करा सकते हो, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत होगी नहीं। तो ये कह रहे हैं क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में सीएम के अंदर पावर नहीं है। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है। और दूसरा जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास डेमोक्रेसी के अंदर, देखिए इंडिया में डेमोक्रेसी है, 90% स्टूडेंट्स जो है आपका ये चाहते हैं नीट और जी के एग्जाम ना हो, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कहे। तो इसलिए मेजोरिटी जीतेगी, आपका जो है संघर्ष करने का या अपोज करने का आपको राइट मिला हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स आप पढ़ते रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, हम भी आपका जो है नाइट में क्लासेस ले रहे हैं और दिन में आपके लिए जो है न्यूज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स गाइस।